रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव उड़ीसा के बालासोर में चंदनेश्वर शिव मंदिर पहुंचे, जहां फूल माला के साथ उनका स्वागत किया गया। इस भारी भरकम माला को लेकर वहां के लोग पहुंचे थे। मंदिरों में दर्शन के लिए अश्विनी वैष्णव उत्साहित दिखे, उनके आसपास लोगों की बड़ी संख्या थी। फिर शुरू हुआ मंदिर में जाने का सिलसिला। इस दौरान अश्विनी वैष्णव ने कुछ लोगों से जूते निकालने के लिए कहा, फिर हर कोई अपने जूते निकालने लगा। आगे आगे रेल मंत्री चल रहे थे तो पीछे पीछे लोगों की भीड़। मंदिर में पूजा का सिलसिला पुजारियों ने उनके तिलक लगाने से शुरू किया। इसके बाद उन्होंने यहां मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ शिव पूजन किया। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई रेलवे लाइन की बहाली पर क्या कहा, सुनिए। मोगराई के, कमरदा के और सभी लोगों ने बहुत पुरानी एक मांग है जलेश्वर से चंदनेश्वर तक रेलवे लाइन बनाने की, उसकी बात भी की। बहुत पुराना प्रोजेक्ट है ये, उस प्रोजेक्ट को मैं पूरा ढंग से एक बार देखूंगा, देख के उसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि बालासोर हादसे के बाद से अश्विनी वैष्णव यहाँ के रेल सिस्टम पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। नमस्कार, मैं हूँ मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।